हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स के सीरीज में एग्जाम माइंड्स लेकर आए हैं आपके लिए बिल्कुल ही हैंड पिक सारे पॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। वन लाइनर्स की तरफ से ये 5th ऑफ अगस्त 2023 के मेजर पॉइंट्स है और आज के हाइलाइट्स में हम देखेंगे मालाबार रिवर फेस्टिवल के बारे में और इंडिया का कौन सा प्लेयर विश्वनाथन आनंद से भी ऊपर का रैंक बनाया है चेस के फील्ड में, ये सारी बातें और साथ में मॉर्गन स्टैनले ने भारत को अपने एक लिस्ट में किस रैंक पे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहला रहा है, विच कंपनी हैज बीन रिसेंटली गिवन द स्टेटस ऑफ नवरत्न। पहले इस कंपनी का स्टेटस था मिनी रत्न का, अब उसे अपग्रेड करके और स्टेटस को इम्प्रूव किया गया और अब ये नवरत्न कंपनी है। ये कंपनी है ONGC। जी हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपग्रेड ONGC विदेश लिमिटेड टू नवरत्न स्टेटस फ्रॉम कैटेगरी 1 to 1। अर्लियर इट वॉज मिनी रत्न, नाउ इट इज नवरत्न स्टेटस इट गॉट, दैट इज ONGC लिमिटेड। नाउ यहाँ पर ये 14th नवरत्न कंपनी बना है और जो बाकी कंपनी है वो यहाँ लिस्ट में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ पॉज करके आप इसे जरूर देख लेंगे। इंडिया हैज रिसीव्ड हंटर किलर स्पाइक मिसाइल्स फ्रॉम विच कंट्री। किस कंट्री से इंडिया ने हंटर किलर स्पाइक मिसाइल्स लिया है जो बड़ा ही घातक है, 30 किलोमीटर तक ये मार करता है। ये लिया है इसने इजराइल से, ओके? और इसे लगाया जाएगा रशिया के द्वारा जो इंडिया को मिला है हेलीकॉप्टर, फाइटर हेलीकॉप्टर MI-17, उसमें इसको इंस्टॉल किया जाएगा। विद दिस दोज लॉन्ग रेंज टारगेट्स कैन बी हिट विच आर हिडन इन द माउंटेन्स। एक बार ये मिसाइल दाग दिया गया तो ये अपना काम पूरा करके ही वापस आता है, राइट? इसराइल का थोड़ा सा और पॉइंट्स आप याद रख लें। इसराइल का कैपिटल है जेरूसलम, प्रेसिडेंट यहाँ के आइजेक हर्ज़ोग हैं, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं और करेंसी यहाँ का न्यू शेकेल है। अगला पॉइंट आ रहा है, हु हैज बिकम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर बाय सरपासिंग विश्वनाथन आनंद इन द फीडे लाइव रैंकिंग, एंड द राइट आंसर इज गुकेश डी। ये रहे गुकेश डी, ये गुकेश डी है और ये विश्वनाथन आनंद है। बहुत समय तक इनका नंबर 1 पे था इंडिया में रैंकिंग, अभी इनको सरपास कर गए ये गुकेश डी। ये फीडे रैंकिंग अभी जस्ट आया है अगस्त 2023 में और इसमें 1, 2, 3 वर्ल्ड के जो नंबर 1 नंबर प्लेयर हैं वो मैग्नस कार्लसन है जो नॉर्वे के हैं, 2 US के प्लेयर हैं फाबियानो कारुआना एंड हिकारु नाकामुरा, ये दोनों US के हैं। नाउ नंबर 9 पे वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 9 पर पहुंच गए इंडिया के गुकेश डी और 10 नंबर पे विश्वनाथन आनंद है। इस तरह से इंडिया में बेस्ट प्लेयर, नंबर 1 प्लेयर अभी हैं गुकेश डी। फीडे ये एक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुसाने में, इसके प्रेसिडेंट हैं आर्काडी डोरोपिच और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के विश्वनाथन आनंद खुद ही। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच कंट्री हैज बीन अफेक्टेड बाय द करेंट टाइफून। एक तरह का साइक्लोन आया है जिसका नाम है खानुम, तो ये कौन सा कंट्री इससे इफेक्ट हुआ है और राइट आंसर इज जापान। हाउ आर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स फॉर्म्ड। अब साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बनता कैसे है, तो एक लो प्रेशर जोन बनता है सी में और चारों तरफ का हवा जो है उसकी तरफ खींचा चला आता है और इस तरह से साइक्लोन का निर्माण होता है। सो अ साइक्लोन स्टॉर्म फॉर्म्स व्हेन अ लो प्रेशर एरिया फॉर्म्स ओवर द ओशन। अब ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको याद रखिए। इंडियन ओशन में जो भारत के आसपास में जो आता है साइक्लोन वो ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। जापान या चाइना सी में जो साइक्लोन आता है उसे टाइफून कहते हैं। अमेरिका में हरिकेन और टोर्नाडो के नाम से जाना जाता है। कैरेबियन सी में हरिकेन और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में विली विली और फिलीपींस में बागुयो। सो इन जगह पे, इन सारी जगहों पे बराबर इस तरह के साइक्लोन्स आते रहते हैं और इनका नाम इस तरीके से इस एरिया में ये नाम दिए जाते हैं। अगला पॉइंट आ रहा है, द 9th एडिशन ऑफ मालाबार रिवर फेस्टिवल हैज बिगन इन विच स्टेट। सो मालाबार रिवर फेस्टिवल कहाँ पर हो रहा है, ये 9th एडिशन है, 4 से 6 अगस्त को होगा, यानी कल तक ये रहेगा 2023 का, राइट? इसमें काफी हेवी प्राइज मनी भी रखा गया है, 10 लाख का प्राइज मनी है। तो ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है केरल में। ये 9th एडिशन ऑफ मालाबार रिवर फेस्टिवल
केरल में होगा, दैट बिगिंस इन थुसारगिरी इन कोझिकोड़े। अपार्ट फ्रॉम इंडियन कैकर्स, ये देखिए क्या किसको कहते हैं, एक आदमी बैठा रहता से पतली सी नाव सी चीज होती है, ये डूबता नहीं है, आप ये अगर अपसाइड डाउन होगा तो अपने आप ये ऊपर फिर आ भी जाता है। सो इसमें बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिया, सो यूएस, यूके, इसराइल, कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, दे आर ऑल पार्टिसिपेटिंग इन दिस मालाबार रिवर फेस्टिवल विच इज गोइंग टू बी हेल्ड और इट्स ऑलरेडी ऑन इन केरल। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच कंट्री हैज बीन रैंक द हाईएस्ट बाय मॉर्गन स्टैनले इन द लिस्ट ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स। सो इमर्जिंग मार्केट्स का लिस्ट, यानी सबसे बड़ा मार्केट उभर कर कौन सा आएगा, एज पर मॉर्गन स्टैनले, ये नाम आ रहा है इंडिया का, यह इंडिया इमर्जिंग मार्केट लिस्ट में सबसे ऊपर। मॉर्गन स्टैनले रिसेंटली लिस्टेड द इंडियन स्टॉक्स ओवरवेट रेटिंग फ्रॉम इक्वल वेट, ओवरवेट जो होता है इक्वल वेट से, और ओवरवेट जो है इक्वल वेट से और हायर रैंक होता है। सो उस पोजिशन पर आ गया है अपग्रेडेड टू इंडिया टू नंबर वन, यानी मॉर्गन स्टैनले के अनुसार इंडिया को अब एमर्जिंग मार्केट के लिस्ट में नंबर वन पे रखा गया है। स्टैनले बिलीव्स दैट इंडिया इज अबाउट टू स्टार्ट अ लॉन्ग बूम व्हाइल चाइनास द बूम इज नियरिंग इट्स एंड। सो कुछ समय पहले तक चाइना काफी ऊपर था, लेकिन अब चाइना सबसाइड कर रहा है और अब इंडिया में बूम आ रहा है और इंडिया अब आने वाले समय में भी नंबर वन होगा एमर्जिंग मार्केट के लिस्ट में। अगला पॉइंट आ रहा है, विच कंट्री हैज स्टार्टेड द ओशन शील्ड 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज इन द बाल्टिक सी। सो बाल्टिक सी में जिसके आसपास के जो कंट्रीज है, बाल्टिक कंट्रीज कहलाते हैं, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वही पर बाल्टिक सी है। तो ये कह रहा है कि उसी बाल्टिक सी में ओशन शील्ड के नाम से कौन सा कंट्री एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, और राइट आंसर है रशिया। दिस एक्सरसाइज इज बीइंग डन इन द मिडल ऑफ द यूक्रेन वॉर। इट्स पर्पस इज टू गिव अ स्ट्रिक्ट वार्निंग टू नेटो कंट्रीज ऑन द स्टोरेज ऑफ द बाल्टिक सी। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, सारे लोग ये समझ ले, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले एग्जाम के लिए, बिल्कुल मत भूलिएगा, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो वेस्ट डाल करके ज्यादा इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ाया गया है, सारे के सारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उम्मीद है आपको हेल्प करेंगे और आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।